गया कि भारत राज्यों का एकत्र होगा, यानी राज्यों का संघ होगा। इसके लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने इनको भाई विवाद की स्थिति में हो तीनों के लिए तीन तरह की सूचियां बनाई हैं। एक तो संघ सूची, समवर्ती सूची राज्य सूची। देखो सूचियां परिवर्तित होती रह रही हैं, केंद्र सूची भी कहते हैं, 98 और 47-66 सामान्यतः और परिवर्तित भी होती रहती हैं। मुख्य विषय केंद्र सूची में दे दिए गए, इस तरह की व्यवस्था की गई कि गैर नागरिकता है, हमारे को अलग राज्यों की अलग नागरिकता लेने की आवश्यकता नहीं है। आपातकाल के अंदर शक्तियां सारे केंद्र सरकार को दी गई है। अगली विशेषता है स्वतंत्र न्यायपालिका। क्या विशेषता है? स्वतंत्र न्यायपालिका। हमारे संविधान में न्यायपालिका को एक स्वतंत्र रखा। इस तरह की स्थिति की गई है कि न्यायपालिका भी अपनी मनमर्जी नहीं कर सकती, और जो केंद्र सरकार है, संसद है, संसद या कार्यपालिका द्वारा यदि कोई नियम संविधान की मूल भावना के खिलाफ है तो स्वतंत्र न्यायपालिका उसे असंवैधानिक घोषित कर सकती है और उस कानून को निरस्त कर देती है। कई बार पूछा जाता है और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? न्यायिक पुनरावलोकन। क्या कहते हैं इस प्रक्रिया को? न्यायिक पुनरावलोकन प्रक्रिया। कई बार पूछ लिया जाता है न्यायिक पुनरावलोकन प्रक्रिया क्या है? जब न्यायपालिका संसद या कार्यपालिका के किसी बनाए गए नियम निधि को जो संविधान की मूल भावना के खिलाफ हो, केवल उसी को, ऐसे नहीं है कि सब न्यायपालिका मन में आए उसी को निरस्त कर दे, ऐसा नहीं कर सकती। उसी नियम या कानून को, विधि को निरस्त कर सकती है जो संविधान की मूल भावना की क्या हो, खिलाफ हो। अगली विशेषता है कठोरता एवं लचीलेपन का मिश्रण। विशेषता है कठोरता एवं लचीलेपन का मिश्रण, दोनों समावेश। कठोरता हमने अमेरिका के संविधान से ली है और लचीलापन कहां से लिया है? इंग्लैंड के या ब्रिटेन के संविधान। भारत का कई बार प्रश्न आता है कि भारत का संविधान कठोर एवं लचीला है, क्यों, बताइए। इसके ऊपर ये कि भारत के संविधान में जो संशोधन अनुच्छेद 368 में जो संशोधन की प्रक्रिया दी गई है, अनुच्छेद 368 में जो संशोधन की प्रक्रिया दी गई है उसमें कुछ प्रावधान ऐसे हैं जो साधारण बहुमत से पास हो जाते हैं, कुछ प्रावधानों के विशेष बहुमत की जरूरत पड़ती है, कुछ प्रावधानों के लिए विशेष बहुमत आधे से अधिक राज्यों के लिए। हाल ही HM 2018 में भी प्रश्न आया था कि भारत के संविधान में अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन की कितनी विधियां हैं, तो कईयों ने दो कर दिया, कईयों ने तीन कर दिया, वहां फिर RPSC ने उसे दो माना। तो यहां मैं थोड़ा सा स्पष्ट करना चाह रहा हूं कि ये हो भारत के संविधान में संशोधन की विधियां हम तीन मत, लेकिन याद है कि अनुच्छेद 368 में विधियां कितनी हैं, तो दो ही माने आपके। इसके अंदर पहला साधारण बहुमत से,
वेतन भत्ते बढ़ाना हो, किसी राज्यों का पुनर्क्षेप मांगना, कोई अनेक बातें हैं जिनके बारे में साधारण बहुमत से ही संसद के दोनों सदनों के साधारण बहुमत से पास हो जाता है। दूसरा है इसके अंदर विशेष बहुमत, अनुच्छेद 368 की बात हो जाए तो ऐसे है, फिर इस विशेष बहुमत को उसने दो तरह से बांटा है अनुच्छेद 368 में, और साधारण सामान्य बात में पिछली बार के संविधान में संशोधन कितनी विधियां है तो अमूमन 3 विधि करें, लेकिन वो ऐसे कह दे कि अनुच्छेद 368 में कितनी विधि है तो 2 ही विधि करेंगे, यानी एक तो पूर्ण बहुमत प्लस उपस्थित सदस्यों का दो तिहाई बहुमत। पूर्ण बहुमत का मतलब कुल सदस्य संख्या एवं कैदे इसको कुल सदस्य संख्या का 50% से ज्यादा भी होनी चाहिए और जितने हैं उनका 2/3 बहुमत भी पास होना चाहिए। ऐसे नहीं कि सदस्य कई बार कम आए और वो कह दें कि हम तो 2/3 बहुमत हो गया पास हो गया, नहीं, जितने भी सदस्य हैं उनका कुल सदस्यों का पूर्ण बहुमत हो कम से कम इतना होना आवश्यक है। यदि ये है उसके बाद हम देखेंगे कम से कम इतनी संख्या तो होनी ही चाहिए, उसके साथ ही हम चेक करेंगे कि जितने सदस्य हैं उनका भी 2/3 होना आवश्यक है, ऐसा न हो कि दोनों शर्तें जरूरी हैं। और इसी का दूसरा है कि पूर्ण बहुमत भी चाहिए, क्या चाहिए पूर्ण बहुमत, इसमें उपस्थित सदस्यों का 2/3 सदस्यों का 2/3 प्लस आधे से अधिक राज्यों द्वारा भी पास होना चाहिए, जैसे अभी GST पास हुआ है आधे से अधिक राज्यों द्वारा पारित भी होना चाहिए। वैसे देखें तो 3 विधि हो गई, साधारण बहुमत से पूर्ण बहुमत उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से, पूर्ण बहुमत उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत और आधे से अधिक राज्यों द्वारा, लेकिन अनुच्छेद 368 में कितनी विधियां हैं तो प्यारे बच्चों इसमें 2 ही लिखना है, लेकिन यदि आगे भारत के संविधान में संशोधन की कितनी विधियां हैं तो आपको कितनी करनी है 3 करनी है। अभी विशेषता न्यायिक पुनरावलोकन एवं संसदीय संप्रभुता का संयोग, यानी भारत के संविधान में ऐसी व्यवस्था की गई है। न्यायिक पुनरावलोकन प्रक्रिया अभी हमने चर्चा की थी कि ऐसी प्रक्रिया जिसके संविधान के अंदर ऐसी न्यायालय को अधिकार दिया गया है कि जो भी संसद कानून नियम बनाए वो यदि संविधान की मूल भावना के खिलाफ बनाता है यानी मूल भावना के विपरीत बनाता है तो न्यायिक पुनरावलोकन प्रक्रिया के तहत न्यायालय उस विधि या कानून जो कार्यपालिका या संसद द्वारा निर्मित है उसको अवैध घोषित कर सकता है। लेकिन संसदीय संप्रभुता का भी ध्यान रखा गया है, ऐसा नहीं है कि न्यायालय मनमानी तरीके से किसी कानून को अवैध घोषित करके, न्यायालय केवल इनका बीच में संतुलन इस तरह से बनाया गया है कि दोनों न तो संसद न न्यायालय अपनी मनमर्जी नहीं चला सके, दोनों में ऐसा सामंजस्य बहुत दूरदृष्टि से दिमाग से बुद्धि से किया है कि संसद कानून बना सकती है लेकिन वो संविधान के अनुसार संविधान को रक्षा कौन करेगा, न्यायालय करता है। दोनों को नियंत्रित किया गया एक दूसरे से मनमर्जी को रोकने के लिए। अगली है हमारी 16 नंबर विश्व शांति का समर्थन।
विश्व शांति का समर्थक, भारत का देश हमेशा से विश्व शांति का समर्थक रहा है। वसुदेव कुटुंबकम का नारा हमारे देश का है, हमारी संस्कृति का है। हम पूरे विश्व को एक परिवार मानते हैं। अनुच्छेद 51 में भी नीति निर्देशक तत्वों में कहा गया है कि राज्य का कर्तव्य है कि राज्य को सोई कर्तव्य नहीं कह सकते, राज्य को अंतर्राष्ट्रीय संबंध शांति सुरक्षा इस तरह से संबंध स्थापित करने चाहिए और किसी तरह किसी बाह्य न तो किसी दूसरे देश के हस्तक्षेप आंतरिक मामलों में करना चाहिए और भारत न किसी अपने खुद के में सहन करता है। पंचशील के सिद्धांत जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिए थे, पंचशील के सिद्धांत और गुप्त निरपेक्ष आंदोलन, ये रणनीतियां किसी का है विश्व शांति के समर्थक की ही बातें हैं। अब हम अगले पे बात करेंगे आपातकालीन उपबंध। भारत के संविधान में इमरजेंसी आपातकाल विधि भी व्यवस्था प्रावधान किए गए हैं। ये आपातकाल की व्यवस्था संविधान का भाग 18 में और आपातकाल जर्मनी, ये व्यवस्था किस देश से ली गई है? जर्मनी से ली गई। किस देश से ली गई है? जर्मनी से। भाग 18 में कई बार अनुच्छेद पूछते हैं इससे आपातकाल से संबंधित, जैसे कि अपने मुख्यतः 3 अनुच्छेद हैं, आर्टिकल 352, आर्टिकल 356, बहुत एग्जाम में पूछते हैं हमारे 356 अनुच्छेद 352। जब किसी बाह्य देश का युद्ध की स्थिति हो, अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति आपातकाल, पहले सशस्त्र विद्रोह हो तो भी ये कर सकते हैं। अनुच्छेद 356 में जब किसी राज्य की संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए, यानी नियम अनुसार वहां की सरकार काम नहीं कर रही हो, तो अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है अपने राजधानी में, जो 4 बार लग चुका है। अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल, ये वित्तीय आपातकाल है, देश की साख जब खतरे में हो कि किसी स्थान विशेष या पूरे देश में एक साथ आपातकाल जो अब तक लगाया नहीं गया है। अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और ये पूरे देश में लगता है, ये कोई राज्य में लगता है, ये आपातकाल लगाया जाता है। अगली विशेषता की बात करिए हम, एकल नागरिकता। पूरे हमारे संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान है। पूरे देश में आज एक ही तरह की नागरिकता देश की लेनी पड़ती है, उस राज्य की नहीं लेनी पड़ती। पहले आर्टिकल 370 धारा 370 समाप्त होने से पहले जम्मू कश्मीर में केवल अथवा 2 तरह की नागरिकता थी, आपको पूरे देश में एक ही नागरिकता लेनी पड़ती है, भारतीय होने की, अन्य नागरिकता नहीं लेनी पड़ती। लोक कल्याणकारी राज्य, हमारे संविधान में विशेषता की गई है कि नागरिकों का अच्छा स्वास्थ्य, चिकित्सा, जो सुविधाएं हैं, पौष्टिक भोजन, ये सारे दी जाए, यानी लोक कल्याण हो, उद्देश्य लोगों की ज्यादा से ज्यादा क्या करना हो, भलाई करना हो। अंतिम विशेषता है अल्पसंख्यक एवं पिछड़े वर्गों के कल्याण की। अल्पसंख्यक एवं पिछड़े वर्गों के कल्याण की व्यवस्था की गई है। देखो अनुच्छेद 330, 332, 335 3 मुख्य अनुच्छेद दिए गए हैं। इनके अंदर विधानसभाओं और लोकसभाओं के अंदर आरक्षण
विधानसभा और लोकसभा में आरक्षण दिया गया है पिछड़े वर्ग एससी और एसटी वर्ग की बात करें 330 और 332 में जो विधानसभा और लोकसभा में आरक्षण था ये आरक्षण केवल 1960 तक दिया गया था, इसे आवश्यकता अनुसार संशोधन करके बढ़ाया जाता रहा है। लेकिन अनुच्छेद 335 सरकारी नौकरियों में आरक्षण, इसकी कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। सरकारी नौकरी में आरक्षण दिया गया था। वर्तमान में एससी और एसटी की सीट, एसटी 47 सीट और एससी 84 लोकसभा में आरक्षित है। यानी वर्तमान में जो लोकसभा में चुनाव होते हैं उसमें अनुसूचित जाति 84, अनुसूचित जनजाति 47 सीट हैं। प्यारे दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में कमेंट्स, लाइक शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। चाहिए।